भाई लोग पिछले वाली वीडियो पे तुम्हारा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने उसे पिछले वाली वीडियो पे देख के भाई हफ्ते की दो गे दी थी। तुम्हारे में से ज़्यादा को पता ही नहीं था कि भाई हफ्ते की दो भी आने वाली है। ठीक है, तो अब से याद रखना हफ्ते की दो वीडियो आई करेंगे, एक वेडनेसडे एक सैटरडे। और भाई पिछली वाली वीडियो अगर तुमने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखो, क्योंकि भाई उसमें हम बहुत मतलब एकदम खत्म से हो गए थे, बैंकरप्सी की हालत आ गई थी, उसके बाद में हम ऊपर उठे हैं। तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसे देख कर, मतलब शायद नहीं भी लगेगा, कह नहीं सकते, लेकिन देख लो यार क्या घिस थोड़ी जाओगे, छोटा मोटा थोड़ी जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं करा तो। खैर, पिछले वाली वीडियो के एंड तक हमने भाई गेम क्रैक करना चालू कर दिया था, और गेम क्रैक करके हम बेच रहे थे। और इस वाली वीडियो में इसी तरह से सीढ़ियाँ ला ला के भाई मैंने बहुत सारे गेम्स बेचे, मतलब भाई इतने गेम बेचे वैसे किसी ने सोची तो ना होगी, लेकिन इस बंदे के पास जो भाई सीढ़ी बेचता है उसके पास सीढ़ी खत्म होगी सारी की सारी। मतलब भाई मैं आखिरी सीढ़ी भी उठा के ले आया, क्योंकि भाई देखो एक बार क्रैक कर लिया उसके बाद घर की खेती है, तो अपना कुछ जाना तो है नहीं, हर बार में खाली $10 दे के एक सीढ़ी मिल जाएगी। और भाई मस्त बेचते रहो गेम। और इसी बीच भाई मैंने कई सारे गेम स्टीम पे भी खरीदे, और ये भाई जो बंदा है भिखारी इसे भी हमने पैसे दे दिए $200। तो क्या माइनिंग कर सकते हैं इस गेम के अंदर, ऐसे भी भाई माइनिंग रिग वगैरह खरीदने की औकात तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन एक नई स्किल मिल जाए तो क्या ही कमी है, हो सकता है कभी इससे मूड बनने लग जाए, औकात भी हो जाए फ्यूचर में जब मूड बने वुडो का साथ साथ। खैर, इसके साथ भाई मैंने दो गेम्स और क्रैक कर लिए। दूसरा वाला वॉल क्रैक वो तो एक इजी लेवल का गेम था, इसलिए वो तो $60-70 का ऐसा बिक रहा था। लेकिन भाई जो दूसरा गेम हमने क्रैक करा वो था लीजेंड ऑफ ग्रीन बॉय, ये भाई मीडियम लेवल का गेम था, और इसके हमें $100 के ऊपर मिल ही रहे थे, तो इससे भी काफ़ी फायदा हो गया। तो भाई यहाँ गया माइनिंग वाले के पास, ये ग्राफिक कार्ड इसके पास माइनिंग के लिए, ये पूरी रिग है, मतलब इसके अंदर ग्राफिक कार्ड और बाकी सब चीज़ें हैं, क्योंकि ग्राफिक कार्ड अकेला माइन नहीं कर सकता, तो ये पैसा नहीं है इसलिए अभी तो निकलते हैं, बाद में देखेंगे। और भाई यहाँ पे मैंने एक और टेबल ले लिया, अपना वी आर का सेटअप भी कंप्लीट कर लिया गेम्स बेच बेच के, और एक एक्स्ट्रा टेबल भी ले ली जिसके ऊपर मैं एक और सेटअप क्रिएट कर सकूँ। उसके साथ में ये भाई लकड़ी वाली जो टेबल देख रहे हो तुम आगे, ये कंसोल टेबल है छोटी सी, और इसके ऊपर भाई हम PS5 वगैरह के गेम्स चला सकते हैं। और मैं भाई कोई महंगा वाला कंसोल तो नहीं लेने वाला क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हाँ हम एक कंसोल ले लेंगे। तो भाई मेरा यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि यहाँ बंदे कुछ ज़्यादा ही बड़े अनु मलिक फ़ैन हैं, मतलब हर दो मिनट में आग लगा देते हैं, और वही PC में। और मैंने एक नया फायर एक्सटिंग्विशर ले लिया। इस बंदे को क्या है भाई, हम अपना पुराना सामान बेच सकते हैं, पुराने फायर एक्सटिंग्विशर है जो भी है, और ये बंदा जो है भाई पुराने सामान की भी अच्छी खासी कीमत दे देता है। भाई मैंने तो सोच रखे है जब मैं नए नए बढ़िया बढ़िया सेटअप लूँगा तो इसे अपने सारे पुराने सेटअप बेच दूंगा। और यहाँ पे भाई पुलिस वाला आ गया, और ये माँ का लोड़ा मेरी वो सीडी ले गया जिसमें मैं गेम डाल के बेचने वाला था। भाई अच्छी खासी सीडी ले गया ये मेरे से, क्योंकि यहाँ पे शायद से पायरेसी जो है वो लीगल नहीं है, मेरी सीडी चली गई। भाई मैंने PC के अंदर से निकाल लिया एक सीडी, भाई मैं बिल्कुल तैयार थी ऐसी, जैसे भी मैंने निकाल लिया गेम डाल रखा था उसके अंदर भाई ले गया। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या है अपना VR सेटअप कंप्लीट हुआ पड़ा है काफ़ी टाइम पहले से, अपना जो मेन पहला सबसे पहला कंप्यूटर है वो तो है ही, और ये भाई जो नया वाला PC लिया था मैंने इसे भी पूरे सेटअप को कंप्लीट कर दिया, चालू कर दिया। लेकिन यहाँ पे भाई प्रॉब्लम आई थी मेन कंसोल के साथ। कंसोल का क्या है भाई, उसे हम ऐसे ही रख सकते बाहर की तरफ फेस करके, उसका जो TV है वो दीवार पर ही चिपक सकता है, तो इससे मैंने इस वाली दीवार पर कंसोल का TV चिपका दिया, और इस तरह से थोड़ा सा साइड में करके रखा है कंसोल। और भाई अब मेरे पास थोड़े से ठीक ठाक वैसे आ चुके हैं, तो एक काम करते हैं भाई बाइनिंग रिग लेते हैं, ये $1000 वाली है, इसमें देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि बाइनिंग से ठीक ठाक वैसे आ जाता है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बाइनिंग कैसे करते हैं। तो भाई बाइनिंग के लिए ये है एक्सचेंज का पोर्टल, यहाँ पे भाई तुम क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी क्रिप्टो करेंसी में, और भी काफ़ी कुछ। लेकिन हमें जो है बेसिकली माइनिंग करनी है, तो हम कुछ खरीदने नहीं वाले, खाली बेचेंगे जो माइनिंग करेंगे। करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक माइनर की जो ऐप है वो खोलनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी नेट से, और फिर उसे खोल के ये जो पर्पल वाली लाइन है ना इसमें कोड लिखा आ रहा है तुम्हारा, तो तुम्हें क्या या तो इस कोड को याद कर लेना है, या फिर भाई कहीं पर लिख विख लेना है उस कोड को डाल देना भाई इसके अंदर, ये जो माइनिंग का तुम लाए हो इसके अंदर डाल देना है कोड, इसके इंटरफेस को एक्सेस करके वो माइनिंग कर दें चालू, बस भाई तुम्हारे खाते में बिटकॉइन आने लग जाएंगे, इतना सा काम था। और ये भाई बंदा क्या बिल्कुल भाई कैसे गेम खेल रहा है तू लेट के एकदम, मतलब भाई ये होता है कि गांड फटे तो फटे पर गेमिंग ना हटे। खैर भाई देखो हमने जैसे माइनिंग चालू करी थी तो हमारे पास बिटकॉइन आने शुरू हो गए, और हम जितनी ज़्यादा माइनिंग रिग्स वगैरह लगाएंगे उतने ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हमारे पास आएगी। और ये चोर भाई कूट दिया बाउंसर का, भाई यही फायदा है भाई, ये है एक माइनिंग रिग, इसके अंदर क्या भाई हम ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं 6 ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं बेसिकली हम, तो इससे क्या है हमारी ये रिग पड़ी 600 रुपये की, ग्राफिक कार्ड एक पड़ता है 500 रुपये का, तो 1100 रुपये में क्या है हमें एक रिग और एक ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जबकि जो सफ़ेद वाला है
वो पूरा 1000 रुपये का है। तो उसमें क्या है कि एक ग्राफिक कार्ड हमें मिल रहा है 1000 रुपये में, एक ग्राफिक कार्ड की पावर, जबकि इसमें है हमें 6 ग्राफिक कार्ड की पावर मिल रही है 3500 के करीब में। तो ये थोड़ा सा एफिशिएंट बैठ जाता है। और भाई से रिग को सेटअप करते हैं। सबसे पहले भाई ये रिग निकालनी है और भाई से कहीं रख देना है इसे खूब अच्छे से मेरे को। इसके बाद भाई देखो इसमें ग्राफिक कार्ड तो नहीं आता, लेकिन ग्राफिक कार्ड क्या है तो मैं अलग से डालना पड़ता है, जैसे कि मैं खरीद कर लाया हुआ अभी। और मैंने भाई सामान वामान कैरी करने के लिए एक बैग भी खरीद लिया था, सस्ता सा ही बैग है, थोड़ी बहुत देर में महंगा वाला भी खरीद लेंगे, एकदम बेहतरीन। इसके अंदर सिर्फ 2 स्पेस है, उसके अंदर 10 स्पेस रहते हैं। वही वाला जो माइनर कोड तुमने इसके अंदर डाला हुआ था ना, ये इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगाती है अपने आप आ जाएगा। तो बस तुम्हें बस माइनिंग चालू कर देनी है। वहाँ भाई हमें भिखारी फिर से मिल गया है और इसे भाई कोई बंदा परेशान कर रहा है, कोई भाई सफ़ेद बनियान पहन के बंदा घूम रहा है ऐसा इसका कहना है। और वैसे काफ़ी ज़्यादा परेशान वेशान कर रहा है, इसकी फैमिली को परेशान कर रहा है, धमकी वमकी दे रहा है। तो हमें क्या है इसकी हेल्प करनी है अभी। तो ठीक है भाई करते हैं हेल्प। तो भाई मैंने यहाँ पे डंडा खरीद लिया है एक बढ़िया से उसकी गांठ तोड़ने के लिए, जो भी इस भिखारी के फैमिली को परेशान कर रहा होगा। और इस लोकेशन में बताया था उसने सफ़ेद कपड़ा, ये है भाई, इसे कूटते हैं। और कोई सफ़ेद कपड़ा भाई मुझे आगे तो नहीं दिख रहा, तो यही हो सकता है भाई जो भी मैं साइड से होके गया। और इसमें भाई बजाते हैं लठ। ओ अच्छा अच्छा मारेगा मारेगा, आइए 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 आइए, हाँ आ जा आ जा आ जा भाई, इसे मारने का मौका दे। और ये पड़ा इसको भाई, क्या है जब ये मारने वाला हो ना तो पीछे भाग जाओ, फिर क्या कहते हैं इसे मारो। और भाई ये ढह गया। और यही वो बंदा था जो भिखारी को परेशान कर रहा था। तो अब जाके उससे बात करते हैं, बता दे भाई काम हो गया तेरा, जॉब हैज़ बीन डन। अच्छा अबे सही है भाई, $200 मिल गए, 203 $3 का इंटरेस्ट भी, मतलब भाई $200 हमने से दिए थे 203 मिल गए, सही है। तो मस्त इन्वेस्टमेंट है। और थोड़ा बहुत बोरियत हुई थी तो लड़ाई झगड़ा करने का मौका मिल गया, कुटाई उटाई करी बंदे की, सही है एकदम। तो भाई यहाँ पे मैंने एक ये छोटा सा मशीन से या रोबोट से तुम इसे जो भी कह सकते हो ये ले लिया है, काले से रंग का। और ये क्या भाई सफाई के काम आता है, सफाई वफाई करता रहता है मस्त। तो हमें यहाँ पे झाड़ू लेके कूड़ा साफ नहीं करना पड़ता, तुम देख सकते हो क्लीन है सारे में एकदम बेहतरीन तरीके से। वो भाई यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्किल्स भी इम्प्रूव कर ली हैं, फिजिकल स्किल्स, जिससे कि भाई हम बंदों को कूट उट सकें। और इतनी देर खेला भाई मैंने, देख लो कितने सारे स्किल पॉइंट हो गए, जबकि स्किल पॉइंट कमाना काफ़ी मुश्किल आता है स्पेशली शुरू शुरू में। और भाई इतनी सारी स्किल्स भी इम्प्रूव कर ली भाई, स्किल पॉइंट्स भी ले लिए, तो तुम खुद सोच सकते हो मैं झूठ नहीं बोल रहा कि 5-6 घंटे खेल रहा हूँ मैं इस वीडियो को बनाने के लिए, भाई बहुत खेलना पड़ता है यार। तो भाई यहाँ पे मैंने अपना एक किचन भी अपग्रेड कर लिया, उससे क्या भाई हम बंदों को खाना वाना खिला सकते हैं उनके ऑर्डर्स लेके। ये एक शेफ़ भी आ गया किचन के अंदर, शेफ़ को मैंने अलग से भाई पैसे दिए हैं और किचन बनवा लिया अपने कैफ़े में। और ये किचन भाई मेरी टेबल के जस्ट पीछे बनाया है जहाँ पे मेरी टेबल रखी जाती थी पहले, और इसकी वजह से भाई अपना कंसोल का जो टीवी था वो गिर गया, क्योंकि यहाँ पे पहले दीवार थी और यहाँ पे इसलिए टीवी रखा हुआ था, तो वो गिर गया जैसे किचन बनी। तो इसे भी सामने वाली दीवार पे मैंने शिफ्ट कर दिया कंसोल वुमेन। भाई यहाँ पे मैंने एक आर्केड मशीन भी ले ली, इससे क्या भाई हमें जब भी कोई बंदा आएगा ना इस पर खेलने तो हमें $20 मिलेंगे, और ये थोड़ी सस्ती वाली है इसलिए $20 मिलेंगे। अगर मैं थोड़ी सी महंगी वाली लेता तो हमें और ज़्यादा पैसे मिलते। और इसमें ये भी नहीं है कि बंदे पैसे वैसे लेके भागेंगे, जब वो $20 उसके अंदर डाल देंगे तभी गेम चलना शुरू होगा। तो ये थोड़ी सही चीज़ है यार, शुरू में आर्केड मशीन खरीदनी चाहिए थी, कम से कम चौकीदार तो नहीं करना पड़ता, लेकिन चोर तो फिर भी रहते, सारे आर्केड मशीन लेके भाग जाते तो क्या होता। खैर अभी तो भाई 500 आंसर है, अगर कोई पैसे नहीं भी देगा तो भी उसकी गांठ तोड़ के निकाल लेगा। भाई यहाँ पे मैंने एक टिप बॉक्स ही अपग्रेड कर दिया, यहाँ पे इसके अंदर क्या है भाई, जैसे कोई हमारी सर्विस से खुश हो जाए बहुत ज़्यादा, उसे लगे कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं बंदे, तो वो टिप भी दे सकता है। टिप का मतलब ऐसा थोड़ा सा पैसा डाल देगा इसके अंदर, तो एक्स्ट्रा पैसा। वैसे तो आधे बंदों को तो यहाँ कूट कूट के पैसे निकलवाना पड़ता है, टिप भी देने वाले लगते तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी हो सकता है दे दें। आज की वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था, इतना ही अपग्रेड था, बाकी का अपग्रेड और बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब बहुत ज़्यादा मजा का गेम है ये, वो सब चीज़ें करेंगे अगली वाली वीडियो में। अभी तो मैं बिजली बिजली सब बंद करके निकलता हूँ यहाँ से मस्त अपने घर की तरफ। तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भाई कर दो, अगर तुमने अभी तक नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को आगे भी इस गेम की वीडियो देखने के लिए, काफ़ी मज़ेदार गेम है। तुम्हें पता ही होगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।